तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस इंपीरियल स्वॉर्ड ने चेंग को चुन लिया था और उसे अपनी सारी पावर देना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद अब चेंग उस डेमन जनरल से बदला लेने और उससे फाइट करने उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अब वैसे तो डेमन जनरल को चेंग से बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन अभी उसके दिमाग में उस स्वॉर्ड के बारे में ही चल रहा था। वो कह रहा था कि अब ये इंपीरियल स्वॉर्ड जाग चुकी है। वैसे ये बात तो हर कोई जानता है कि वो स्वॉर्ड कितनी ताकतवर है। अब तभी डेमन गर्ल कहती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि हर लेजेंडरी स्वॉर्ड के पास उसकी खुद की सोल स्प्रिट होती है, और अगर ये बात सच हुई तो अब इसे लड़ने में और ज्यादा मुसीबत का सामना करना होगा। इसके बाद अब डेमन जनरल उन सभी के प्रोटेक्शन के लिए एक खास डेमन फायर फॉर्मेशन बैरियर क्रिएट करता है, जो कि उस डेमन टर्टल के सामने आ गया था। मगर अब उसके बनते ही यहाँ चेंग अपने स्वॉर्ड को उठाता है और उसकी पावर से एक ही अटैक में उस बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वो डेमन गर्ल कहती है कि इसने तो हमारा ये बैरियर भी डिस्ट्रॉय कर दिया, अब हम क्या करें। इस पर उसका वो दूसरा साथी कहता है कि अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, ये लड़का हमें कभी नहीं हरा सकता, वैसे भी ये अभी तक स्प्रिट गैदरिंग तक तो पहुंचा नहीं है, अब तुम ही सोचो ये हमारे सामने कैसे टिकेगा। अब उसकी बात सुनकर डेमन गर्ल तुरंत ही चेंग पर अटैक करने चली जाती है, और अब ये भी यहाँ से डेमन गर्ल की मदद करना चेंग की तरफ जाता है। लेकिन अब तभी हम देखते हैं कि चेंग के हाथ में उस इंपीरियल स्वॉर्ड में से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, और ये एनर्जी बहुत पावरफुल भी थी, और एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर फिर वो स्वॉर्ड खुद ही चेंग को उसे कंट्रोल करने ही दे देती है, जिसके बाद अब वो डेमन गर्ल और उसका वो साथी वहाँ चेंग के पास ही नहीं आ पा रहे थे। वैसे तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे को बढ़ने की जगह पीछे ही होते जा रहे थे। वैसे यहाँ चेंग बहुत ही कूल तरीके से एक हाथ से उस स्वॉर्ड को हवा में करे हुए था, जिसे देखकर सभी डेमन क्लेन वाले थोड़े शॉक थे। अब वो डेमन जनरल चेंग से कहता है कि तुम्हें ये इंपीरियल स्वॉर्ड क्या मिल गई, तुम मेरे डेमन लॉर्ड के सामने शो ऑफ कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि इस स्वॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात तुम भी जान लो, तुम ऐसी 10 तलवार से भी मुझे नहीं हरा सकती। तो अब इतना कहकर वो अपना एक और खास अटैक करता है, इससे वो थंडर एरे फॉर्मेशन कह रहा था। इसे बनाते वक्त वहाँ पर बिजलियाँ कड़कने लगी थी, और इसके बाद अब चेंग के सामने एक बड़ा सर्कल बनने लगता है। अब ऐसा देखकर चेंग किसी भी टेक्निक का यूज करने लगता है। इस टेक्निक का यूज करने में वो इंपीरियल स्वॉर्ड ही चेंग की मदद कर रही थी, क्योंकि चेंग को नहीं पता कि ये स्वॉर्ड किस किस तरह के अटैक करती है। अब इसके बाद चेंग उसके सोल स्पेस में आ चुका था। यहाँ पर वो इंपीरियल स्वॉर्ड उससे कहती है कि चेंग मैं तुम्हें अपनी पावर दे रही हूँ, इसे ध्यान से हैंडल करना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग के पास खास लोटस फॉर्मेशन बनने लगा था। वैसे ये ग्रीन एनर्जी थी और ये अभी एक बैरियर बना रही थी। वैसे ये बैरियर ज्यादा बड़ा नहीं था, हम देखते हैं कि ये बस इतना था कि इसमें बस चेंग ही आ पाया था। इसके बाद अब वो डेमन जनरल का फॉर्मेशन अपनी एनर्जी को यहाँ चेंग की तरफ भेजने लगता है, लेकिन चेंग तो यहाँ पर कुछ नहीं करता, क्योंकि वो बैरियर अपने आप ही एनर्जी को रोक रहा था। वैसे ये चीज देखकर वो डेमन जनरल भी शॉक था। अब चेंग अपनी स्वॉर्ड ऊंचा उठाता है, और अब उसकी पावर का कारण हम देखते हैं कि चेंग की आईज ग्लो करने लगी थी, जिसे देखकर एक स्टूडेंट कह रहा था कि क्या यही है इंपीरियल स्वॉर्ड की असली पावर। इसके बाद अब चेंग अपने दूसरे हाथ को आगे करता है और उस बैरियर को धक्का देने लगता है। वैसे इसकी वजह से अब वो बैरियर आगे बढ़ने लगा था, और अब चेंग उस बैरियर को लेकर सीधा उस फॉर्मेशन से टकरा जाता है। वैसे इसके बाद अब वहां पर बहुत ज्यादा तेज ब्लास्ट होता है, और अब हम देखते हैं कि जिस ग्रीन एनर्जी से वो चेंग का बैरियर बना था, वो एनर्जी अब आसमान से चारों तरफ फैलने लगी थी। वैसे यहाँ लोटस वैली वाले सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थे। वो मास्टर अभी कह रहे थे कि हम तो सच में बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि चेंग इस अटैक के सामना कर भी पाएगा, क्योंकि ये कोई मामूली अटैक नहीं था। ऊपर से चेंग ने भी अभी तक उस स्वॉर्ड को चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए इतना यूज करने से कभी भी चेंग की एनर्जी अब खत्म हो सकती है। अब वो डेमन जनरल चेंग से कहता है कि अरे वाह, तुम तो सच में बहुत स्ट्रांग तो नहीं पर बहुत लकी हो, क्योंकि तुम अभी तक मेरे सामने जो खड़े हो, वरना पिछले 300 सालों में आज तक कोई मेरे सामने इतनी देर तक नहीं टिक पाया है। मानना पड़ेगा तुम्हें कुछ तो बात होगी, लेकिन चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं, क्योंकि अब इतनी देर लड़कर मैं थोड़ा बोर होने लगा हूं। तो चलो अब तैयार हो जाओ। अब इतना कहकर वो अपने अगले अटैक को करना स्टार्ट कर देता है। वैसे इस अटैक में हम देखते हैं कि अब उस जगह पर पूरे में काले बादल छाने लगे थे, और साथ ही उनमें से लाल लाल बिजलियां गिर रही थी। साथ ही इसके बाद अब डेमन जनरल अपने दोनों हाथों से अपनी सारी एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर इसके एक बड़ी सी डेमन फायर से कवर्ड बॉल बनकर रेडी हो जाती है।
अब उसे देखकर वहाँ वो मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे और कह रहे थे अब हमारे बचने का चांस बहुत कम है क्योंकि ये टेक्निक वही टेक्निक है जिसे यूज कर डेमन जनरल ने इनके उन तीनों एंसेस्टर्स को हराया था। साथ ही मास्टर ये भी कह रहे थे कि इस बार मुझे वो एनर्जी अब और ज्यादा लग रही है। वैसे वहाँ डेमन लॉर्ड तो अटैक करने के लिए तैयार था पर यहाँ चेंग नहीं। दरअसल चेंग अभी अपनी उस टेक्निक का यूज कर रहा था जो उसने उस स्वॉर्ड से सीखी थी, मगर अब वो अचानक से अपने सोल स्पेस में आ जाता है जहाँ वो इंपीरियल स्वॉर्ड उसे आगे खोलने को कहती है। और अब जब चेंग अपनी आँखें खोलता है तो वो देखता है कि वो स्वॉर्ड उसे अपने पास बुला रही है। इसके बाद अब वो उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास जाता है। अब वो स्वॉर्ड स्प्रिट चेंग से कहती है कि तुमने स्वॉर्ड चलाना और इसके नॉर्मल टेक्निक्स तो सीख ली है लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत खास और बहुत सीक्रेट टेक्निक बताने जा रही हूँ, लेकिन बस तुम बस इसे ध्यान रखना। अब इसके बाद वो स्प्रिट चेंग को उस टेक्निक के बारे में बताना स्टार्ट करती है। वैसे इसी बीच हम देखते हैं कि अब चेंग के आसपास फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया था। वैसे ये फॉर्मेशन अभी उसके सोल स्पेस में बन रहे थे। अब वो स्प्रिट उसे बताती है कि ये फॉर्मेशन सन मून और स्टार के ऑरा की पावर से बने हैं जिसमें हेवन एंड अर्थ की एनर्जीज का भी यूज किया गया है। वैसे अब इतने में उसका सोल स्पेस पूरी तरह से उस एनर्जी से भरने लगा था। इसके बाद अब वो नॉर्मल वर्ल्ड में आता है जहां ऑलरेडी सभी लोग उसे देखकर बहुत शॉक थे। अब चेंग यहां उस सेव हुई एनर्जी का यूज करता है और अपने इंपीरियल स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और इसके बाद वो सारी एनर्जी का वही एक पॉइंट में कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उस तलवार के ऊपर एक एनर्जी बॉल क्रिएट होने लगी थी। इसके बाद अब डेमन जनरल और चेंग दोनों ही एक साथ एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो इस एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो एनर्जी बहुत दूर दूर तक फैलने लगी थी और अब सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। मगर अभी भी डेमन जनरल ने अपना अटैक करना बंद नहीं किया था और ना ही चेंग अभी रुका था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि चेंग अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर कई सारे फॉर्मेशन के हेल्प से अपने उस अटैक की एनर्जी बढ़ा देता है। वैसे यहाँ डेमन जनरल भी अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा था और इन दोनों अटैक से अब वो जगह तक शेक करने लगी थी जिसे देखकर वो मास्टर कह रहा था कि हाँ ये वही इंपीरियल एनर्जी है, ये उस स्वॉर्ड की सबसे सीक्रेट पावर है। अब इसके बाद यहाँ फाइट के दौरान हम देखते हैं अब अपना अपना अटैक रोक देते हैं जिसके बाद अब चेंग अपनी हेवन एंड अर्थ एनर्जी का यूज कर अब वो पूरी ताकत लगाकर उस डेमन जनरल पर अटैक कर रहा था और यहाँ उस डेमन जनरल ने भी अपना बैरियर क्रिएट कर लिया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपने बड़े साइज में आ जाती है और अब जैसे ही चेंग उसे उस बैरियर पर गिराता है तो वो बैरियर उस स्वॉर्ड को रोक ही नहीं पाता और वो स्वॉर्ड सीधा उस बैरियर के अंदर चली जाती है। अब उसे बचाने के लिए वो डेमन जनरल अपने खास आर्मर का यूज करता है, इससे उसे अब उस स्वॉर्ड से कोई चोट नहीं लग रही थी। मगर इन दोनों की इस लड़ाई में वो पूरी वैली बहुत बुरी तरीके से हिलने लगी थी, साथ ही नीचे सभी लोग बहुत शॉक हो रहे थे। अब वो डेमन जनरल वहां से थोड़ा पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक तो बहुत पावरफुल है लेकिन बदकिस्मती से तुम इंपीरियल इंग्री नहीं हो। दरअसल ये खास टेक्निक इंपीरियल किंग की थी जिसे अभी चेंग यूज कर रहा था। अब इतना कहकर वो आसमान में आता है और हम देखते हैं कि अब बादल फिर से बिजली गिरने लगे थे और ये देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत डर रहे थे। लेकिन अब इसके बाद ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।